भारती फाउंडेशन की ओर से गुरुवार को ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मालगोदाम रोड स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या 1 में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में बाड़मेर व रामसर ब्लॉक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में कई सरकारी विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया। स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान और भारती फाउंडेशन बाड़मेर के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को बाड़मेर और रामसर ब्लॉक की ब्लॉक स्तरीय स्पेल विजार्ड और मैथ्स विजार्ड प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या 1 मालगोदाम रोड बाड़मेर में किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डालूराम चौधरी, सहायक निदेशक नरसिंह जांगिड़, कपूड़ी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी रश्मिकांत मेहता व कवि मुकेश अमन के आतिथ्य में हुआ। बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए अतिथियों ने ब्लॉक स्तरीय विजेताओं को भारतीय फाउंडेशन समर्थित प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। इन दोनों प्रतियोगिताओं में कक्षा 8 में स्पेल विजार्ड में बाड़मेर ब्लॉक से 31 विद्यालयों ने भाग लिया। इसमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुलानी मेघवालों की ढाणी के छात्र लूणाराम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नागनीचियों का थान के मनोज कुमार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। गणित विजार में बाड़मेर ब्लॉक के 52 विद्यालयों ने भाग लिया। इसमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पोखर सिंह की ढाणी के देवेंद्र कुमार ने प्रथम और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जूना के मोती राम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसी तरह रामसर ब्लॉक से स्पेल विजार्ड प्रतियोगिता में कुछ 13 विद्यालयों ने भाग लिया। इसमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामदियों की बस्ती देरासर के मोहम्मद खान ने प्रथम एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाथमा के खेतपाल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसी तरह रामसर ब्लॉक से गणित विजार्ड प्रतियोगिता 22 विद्यालयों में भाग लिया। इसमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लाबराऊ के मोतीलाल ने प्रथम और राजकीय प्राथमिक विद्यालय लेखों खोथों की ढाणी के डूंगरा राम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।